बचपन में एग्जाम हॉल पर बैठते ही मैथमेटिक्स का क्वेश्चन पेपर देख के जितना डर लगता था, आजकल लैपटॉप ओपन करते ही मार्केट में इतना बड़ा गिव डाउन देख के डर लगता है। और जो लोग मेरे फ्री वाले ग्रुप पे नहीं जुड़े हैं, ज्वाइन टेलीग्राम बोल के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हूँ, उस लिंक को क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मेरे भाई, जब जब मार्केट वन फ्लो में रहता है, तब तब लेवल वन फ्लो में चलता है। जैसे उस दिन 11 बजे क्लियर कट बता दिया था, 25,008 के नीचे अगर जाएगा तो निफ्टी को आपको पुट बाय करना है। और जैसे ही ब्रेक डाउन किया दोस्तों, 100 पॉइंट का फॉल हुआ, तो जाके फ्री वाले ग्रुप पे ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि डेली दोस्तों लाइव मार्केट में मैं ऐसे ही अपडेट देता हूं। और कल के दिन मेरे भाई एक बैंगर एक्सपायरी, और वो है फिर निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल वीडियो। ये स्वागत है आप सबको, क्योंकि मेरे भाई ये वीडियो ओनली एंड ओनली रहने वाला है कल का बैंगर फिर निफ्टी एक्सपायरी के लिए डेडिकेटेड वीडियो। आप बोलोगे भाई दूसरा वीडियो कहां गया, एक ही वीडियो में एक ही एक्सपायरी अगर आप एनालिसिस करोगे तो निफ्टी बैंक निफ्टी मिडकैप का कहां गया। मेरे भाई इसीलिए मैं कहता हूं, प्लीज 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 आप लोग सब्सक्राइब करके रखिए। क्योंकि डेली यार मैं देखिए दो वीडियो डालता हूं आप लोगों के लिए, डेली में एफर्ट डाल के दो वीडियो डालता हूं। सेकंड वीडियो दोस्तों 5:30 बजे आ जाएगा, निफ्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी का। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो कहीं ना कहीं फिन निफ्टी एक्सपायरी स्पेशल रहेगा। सेकंड वीडियो के लिए प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, और जो भी आपका कॉल पुट होल्ड है दोस्तों कमेंट करके बता दीजिए। आज के दिन यार सबको हेल्प हुआ, हर एक पर्सन जो पिछले 3 दिन में मेरे वीडियो में कमेंट किए थे सबको आज के दिन रिप्लाई दिया मैंने। जो लोग पुट होल्ड किए थे उनको मैंने कहा भाई प्रॉफिट बुक कर लो, रिस्क ले सकते हैं तो थोड़ा होल्ड कर सकते हैं बट प्रॉफिट बुक कर लीजिए। और जो लोग कॉल होल्ड किए थे उनको सीधा मैंने कहा कि 5 मिनट के लिए वेट कीजिए, अगर पहला 5 मिनट का लो टूटा तो एग्जिट कर लीजिए। उनका पैसा बचा, ऑलरेडी इतना बड़ा लॉस हुआ बट फिर भी उनका पैसा बचा यार, जो लोग मेरे बात मान के यही रूल को फॉलो किए। तो कमेंट कर दीजिए, और ये सब मैं जो करता हूं ना, क्या मांगता हूं सच बोलिए, क्या मांगता हूं कुछ भी नहीं, बस एक सब्सक्राइब कीजिए और मेरा यार वीडियो का लाइक एम पूरा कर दीजिए। 140 लाइक, 140 लाइक दोस्तों स्मैश कर दीजिए, मुझे यकीन है आप सब पे। चलिए स्टार्ट करते हैं, और आज का जो एनालिसिस है वो बहुत टेक्निकल रहने वाला है दोस्तों, सीरियसली, और मैं भी बहुत टेक्निकली समझाने वाला हूं, तो ध्यान से देखिए, नॉर्मल एनालिसिस आज का नहीं रहने वाला। तो सबसे पहला प्लान नंबर ए में कहना चाहूंगा, अगर कल के दिन मार्केट फ्लैट टू लिटिल गैप अप खुला फिन निफ्टी में, और उसके बाद अगर 22,718 इस लेवल के नीचे आना चालू कर दिया, इसके नीचे आपको लोअर लो प्राइस सेक्शन दिखा, तो पुट के तरफ जाएंगे 22,718 के नीचे। और अगर 22,597 टूटा बिलो 22,597, आपको और भी बड़ा पैनिक फॉल देखने को मिलेगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, एक एक करके दोस्तों मैं आपको रीजन समझा देता हूं। जो मैंने पहला प्लान दिया कि 22,718 के नीचे ही हम कल के दिन क्यों पुट बाय करेंगे अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग हुआ तो, अब इसके पीछे मैं आपको एक पैटर्न समझाना चाहता हूं, वो है बियर फ्लैग पैटर्न। और आप लोगों को डेफिनेटली वो याद ही होगा दोस्तों, जो मैं कहीं ना कहीं वीडियो में बताता रहता हूं, मैं फिर भी रिपीट कर देता हूं और सबको पता है। बुल फ्लैग पता है दोस्तों आपको क्या है, कि मार्केट अगर एक अच्छा खासा अप मूव देगा उसके बाद अगर मार्केट को रेस्ट लेना है तो इस टाइप का कहीं ना कहीं एक फ्लैग पैटर्न बनाता है, और उसके बाद दोस्तों जो रेंज बनाता है बेसिकली, जो एक पोल पैटर्न बनाता है, फ्लैग एंड पोल पैटर्न भी आप कह सकते हैं, राइट। तो उसके बाद अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो मार्केट अगेन कहीं ना कहीं एक बड़ा अप मूव स्टार्ट करता है, तो इसको बुल फ्लैग भी कहते हैं, कि भाई हाँ फ्लैग का डंडा और ये फ्लैग उड़ रहा है। उसके बाद फ्लैग अगर ऊपर की तरफ ब्रेकआउट तो ऊपर की तरफ ही मोमेंटम कंटिन्यू रहता है, ये पैटर्न आपने कई बार देखा होगा मार्केट में रिपीट होता रहता है। उसका ऑपोजिट क्या है दोस्तों, बियर फ्लैग पैटर्न, और वो आज के दिन बना है। मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद भी कंप्लीटली डाउनसाइड गया, उसके बाद दोस्तों कहीं ना कहीं इस टाइप का एक पैटर्न बना है, यानी कि एक बियर फ्लैग पैटर्न आज के दिन बना है दोस्तों। और उसके बाद अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन करता है तो यही डाउनफॉल कंटिन्यू रहता है, और आज के दिन अगर आप देखोगे क्लियर कट दोस्तों यही पैटर्न बना है, इसीलिए क्योंकि कंप्लीटली मूव फ्राइडे के दिन गैप डाउन हुआ, उसके बाद डाउनसाइड, आज के दिन गैप डाउन हुआ फिर डाउनसाइड, यार नहीं संभाल पा रहा है मार्केट अपने आप को। और आज के दिन आप देख लीजिए दोस्तों, इतना बड़ा गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद भी अगेन इतना बड़ा डाउनफॉल, और यहां पे बनता है बियर फ्लैग पैटर्न। यहां पे देखोगे एक पोल के अंदर रह गया, तो नीचे से कहीं ना कहीं दोस्तों एक सपोर्ट है, ध्यान से देखेंगे ये लाइन को, तो एक बार सपोर्ट लिया फिन निफ्टी और यहां से थोड़ा ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। यहां पे अगर आप देखोगे दोस्तों दूसरी बार यही ट्रेंड लाइन को टच किया
किया, ऊपर की तरफ मूवमेंट किया। तो कल के दिन अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक डाउन कर देता है ना, ये जो सपोर्ट, बेसिकली जो मैंने आपको कहा कि बियर फ्लैग जो कॉन्सेप्ट होता है, ये ट्रेंड लाइन अगर यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है और उसके साथ साथ दोस्तों जो छोटो सा एक सपोर्ट लेवल है 22,718 यहाँ पे एक बार टच किया ऊपर गया, दूसरी बार टच किया दोस्तों ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, तो ये बियर फ्लैग पैटर्न एक्टिवेट हो जाएगा कि भाई ये जो कहीं ना कहीं एक आप कह सकते हैं कि जोन में जो घूम रहा है एक फ्लैग बना के, वो फ्लैग कल के दिन ब्रेक डाउन होगा। उसके साथ साथ दोस्तों जो हमारा सपोर्ट लेवल है 22,718 इसके नीचे आएगा तो हम पुट के तरफ जाएंगे। बाद में ऊपर से भी अगर आप देखोगे बार बार रेजिस्टेंस ले रहा है, तो यही बियर फ्लैग पैटर्न है दोस्तों बुल फ्लैग का ऑपोजिट। आपने ये भी नोटिस डेफिनेटली किया होगा कि ऊपर के लेवल पे भी तो भाई कहीं ना कहीं लाइक रेजिस्टेंस है ना, तो यहां पे दोस्तों क्लियर हो जाता है चीजें कि आज के दिन इतना बड़ा डाउन मूव के बाद कल के दिन ऊपर जाना मुश्किल होने वाला है। और यहां कॉन्सेप्ट आप देखिए जो पोल बना है ऊपर भी कहीं ना कहीं रिजेक्शन बार बार दे रहा है, 3 बार 4 बार यही ट्रेंड लाइन को टच किया और डाउन गया। यहां पे देखिए डाउन 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 और डाउन। नीचे से भी अगर आप देखोगे दोस्तों बार बार कहीं ना कहीं अपसाइड का मोमेंटम दिया, तो बेसिकली यही है कि मार्केट का जो पैटर्न है दोस्तों कि एक बार अच्छा खासा गिरना, उसके बाद कहीं ना कहीं दोस्तों एक पोल पैटर्न बनाना और उसके बाद नीचे की तरफ जैसे ही ब्रेकडाउन होता है नीचे की तरफ चला आता है। ठीक यही पैटर्न यहाँ पे आज के दिन बना है, इसी रीजन की वजह से प्लान ए क्लियर कर देते हैं 22,718 के नीचे हम पुट के तरफ जाएंगे। और जो 22,597 के नीचे मैंने सेल कहा वो ऑब्वियसली बात है आज का बॉटम है दोस्तों, वो टूटा तो और भी बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। प्लान नंबर अगर मैं बी की बात करूं तो सारा ड्रॉइंग मुझे रिमूव करना पड़ेगा और यहां पे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। देखिए मैं बाइंग के लिए कल जा ही नहीं सकता। सबसे पहला रीजन है दोस्तों ऊपर का रेजिस्टेंस, जो मैंने रेजिस्टेंस लेवल ड्रॉ किया था आप जरा देख लीजिए, यहां से ये सारे डॉट को हमने कनेक्ट किया था दोस्तों। तो कल के दिन पहली बात तो यहां पे देखिए दोस्तों ऊपर कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंस है, जहां से आज के दिन अगर आप देखोगे गैप डाउन ओपन होने के बाद भी यहां से 2 बार कहीं ना कहीं मार्केट रिजेक्ट किया प्रॉपर, कहीं ना कहीं लोअर लो पैटर्न जैसे ही ब्रेक डाउन हुआ इतना बड़ा डाउनफॉल का मोमेंटम दिया, तो ये एक रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस है दोस्तों ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, यार एक बार टच किया, 2 बार टच किया, 3 बार टच किया, 4 बार टच किया, बार बार इसी ट्रेंड लाइन से रिजेक्ट कर रहा है। तो प्लान भी थोड़ा सा टेक्निकल जो मैं कह रहा था वो है, और वो क्या है बताऊं आपको, क्या करना है एक ट्रेंड लाइन ऐसे करके कहीं ना कहीं ड्रॉ कर देना है। ठीक है आपको समझ में आ गया। उसके बाद कल क्या करना है, अगर मार्केट गैप अप वगैरह खुला ऊपर गया तो जाने दीजिए, जैसे ही ये ट्रेंड लाइन को टच करेगा, देखिए मैं कोई लेवल बता नहीं सकता, जब बात ट्रेंड लाइन का आता है ना मैं चाहते हुए भी कोई लेवल बता नहीं सकता। मार्केट मान लेते कल यहां पे खुला, दूसरा कैंडल पे यहां पे भी टच कर देगा तो लेवल ये भी तो हो सकता है, तो मैं कैसे कह सकता हूं दोस्तों कि यही लेवल है बोल के। आपको ट्रेंड लाइन कहीं ना कहीं मार्क करके रखना है और जैसे ही कल ट्रेंड लाइन को टच करेगा, जैसे ही यहां से आपको लोअर लो प्राइस सेक्शन देखने को मिल जाएगा पुट के तरफ जाएंगे। अगर ट्रेंड लाइन टच किया यहां से कहीं ना कहीं एक 5 मिनट टाइम फ्रेम पे बेयरिश कैंडल बनाया तो पुट के तरफ जाएंगे, क्योंकि मेरे भाई आप देख सकते हैं ये कंप्लीटली कहीं ना कहीं एक रेजिस्टेंट ट्रेंड लाइन है और जब जब टच करेगा कल भी रिजेक्शन देगा, और वैसे भी इतना बड़ा डाउनफॉल हो चुका है तो न्यू फ्रेश सेलर अब मार्केट में आ चुके हैं तो कल मार्केट को ऊपर जाने वो नहीं देने वाले। क्लियर हो गया प्लान नंबर बी। प्लान नंबर सी बेस्ट प्लान, और हो जाए भाई मैं भगवान से प्रे करता हूं क्योंकि जो कॉल होल्ड करके जाते हैं उनको कितना टेंशन रहता है पूरे रात, और आज के दिन भी इतना बड़ा लॉस उनको देखने को मिला, तो आज जो लोग कॉल होल्ड करके गए होंगे डेफिनेटली कल अगर उनको गैप अप मिला तो वो अपना बाय पोजीशन एग्जिट करेंगे, मार्केट नीचे आएगा। और प्लान नंबर सी यही है, अगर कल मार्केट गैप अप खुल गया तो सेल के अलावा दोस्तों हमारे पास और कोई चारा नहीं रहेगा, सेल ही करेंगे, क्योंकि एक तो मार्केट का ट्रेंड थोड़ा सा कहीं ना कहीं डाउनवर्ड शिफ्ट हो चुका है, उसके साथ साथ कल अगर गैप अप खुला तो यहाँ पे न्यू फ्रेश रेजिस्टेंस है और इसी रेजिस्टेंस एरिया पे खुलेगा डेफिनेटली मार्केट कहीं ना कहीं आपको नीचे आता हुआ दिखेगा। तो कल अगर गैप अप खुला तो सबसे पहला और सिंपल रूल है, पहला 5 मिनट का जो भी दोस्तों कैंडल बनेगा उसी का आपको लो टूटते ही पुट बाय करना है। अगर कल बड़ा गैप अप खुला और लोअर लो बना तो भी पुट बाय करना है, अगर कल बड़ा गैप अप खुला और प्रॉपर एम पैटर्न बना तो भी पुट बाय करना है। ओनली एंड ओनली हमें पुट के तरफ ही ध्यान देना है अगर बड़ा गैप अप खुला तो। उसके बाद जाते हैं प्लान नंबर डी से, और मैं अगेन बता देता हूं, मैं क्लियरली बता देता हूं आज के दिन प्लान नंबर डी से यही नहीं रहेगा कि गैप डाउन खुलते ही बाय करो, क्योंकि देखिए मैं मानता हूं
और हमेशा कहीं ना कहीं यही प्लान बताता हूँ। इवन फ्राइडे के दिन तो सही भी हुआ, कोई गलत नहीं है। मैं हमेशा बोलता हूँ दोस्तों, अगर गैप डाउन खुला और हायर हाई फॉर्मेशन बना तो कॉल बाय करो। फ्राइडे के दिन गैप डाउन खुला था, मेरा प्लान बिल्कुल सही हुआ था, मैंने वीडियो में बोला भी था, देखो दोस्तों मेरा प्लान सही हुआ और आपने प्रॉफिट कमाया होगा और उसी प्लान के हिसाब से मार्केट गया था। डेफिनेटली मैंने फ्राइडे के दिन भी इवनिंग के वीडियो में कहा कि दोस्तों अगर मंडे के दिन गैप डाउन खुला तो बाइंग के अलावा हमारे पास कोई चारा नहीं रहेगा, डेफिनेटली हम बाइंग करेंगे। लेकिन क्या मेरा एक भी पैटर्न एक्टिवेट हुआ? अगर एक भी पैटर्न एक्टिवेट हुआ ना, आप मुझे बता दीजिए कहां पे एक्टिवेट हुआ। कहीं पे भी दोस्तों पैटर्न एक्टिविटी नहीं हुआ। मैं क्या बोलता हूं, गैप डाउन अगर खुला और हायर हाई फॉर्मेशन बना तो दोस्तों कॉल बाय कीजिए, गैप डाउन अगर खुला डब्लू पैटर्न बना तो कॉल बाय कीजिए। यही दो पैटर्न देता हूं। अब आप आज ही देख लीजिए कहां पे हुआ, बिल्कुल मतलब हायर हाई तो हुआ ही नहीं, मार्केट गैप डाउन खुला, नीचे आया, फिर थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन दे दिया, लास्ट स्विंग ब्रेकडाउन दे दिया। तो ये कहीं ना कहीं लोअर लो पैटर्न बन गया, नेगेटिव प्राइस एक्शन बना। पॉजिटिव प्राइस एक्शन अगर बनना होता ना, इस टाइप का बनता कि मार्केट गैप डाउन खोला, नीचे फिर ऊपर गया, एंड देन इस टाइप का कहीं ना कहीं प्राइस एक्शन बनता या फिर डे का हाई को ब्रेक करता, बट कहीं पे भी एक्टिवेट नहीं हुआ। तो यहां पे मैं गलत नहीं हूं, और कहीं ना कहीं लोग सोचते हैं कि भाई गैप डाउन खुला तो ब्लाइंडली कॉल बाय करना है। नहीं, ऐसा एक वीडियो आपको नहीं मिलेगा अपने जिंदगी में, मैं नहीं बोला गैप डाउन खुलते हैं भाई कॉल बाय कर लो। प्राइस एक्शन देखिए, मार्केट कंफर्मेशन दे रहा है तो कॉल खरीदना है। ऐसे ही अगर कॉल खरीद रहे हैं वो गैम्बलिंग है दोस्तों, और सीरियसली विदाउट लॉजिक अगर कुछ भी खरीद रहे हैं तो वो गैम्बलिंग है। लॉजिक के साथ कॉल खरीदेंगे डेफिनेटली प्रॉफिट मिलेगा, आपको यकीन नहीं हो रहा आप खुद देख लीजिए। आज के दिन जैसे ही निफ्टी में दोस्तों कहीं ना कहीं पॉजिटिव प्राइस एक्शन बना था, मेरा जो पेड़ वाला ग्रुप है वहां पे मैंने कॉल दिया था, 26,300 का कॉल 155 पे हमने खरीदा, 200 वो हाई मारा है। तो आज बियरिस मार्केट में भी खुलते ही 950 पे मैंने 949 पे कॉल दिया था। तो यार लॉजिकल वो था, गलत हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं, बट लॉजिकल था। और इतना बेरिस मार्केट में भी दो टारगेट हमने कमा लिया उससे ऊपर, तो यार लॉजिकली सोचिए। तो कल के दिन प्लान डी हम यही रखेंगे, अगर मार्केट गैप डाउन खुला प्रायोरिटी बाइंग के साइड रहेगा ओके, बट बायसनेस नहीं रखेंगे, क्योंकि आज के दिन जो हुआ वो कल के दिन भी हो सकता है। सो प्लान क्या है, अगर गैप डाउन खुला सिंपल प्लान है, रिपीट प्लान, अगर हायर हाई बना तो कॉल बाय करेंगे, डब्लू पैटर्न बना तो कॉल बाय करेंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कल के दिन अगर गैप डाउन खुल के आपने अगर देखा कि आज के जैसा ही अगर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनना है, लाइक दिस लोअर लो प्राइस एक्शन बन रहा है, छोटे से एसएल के साथ बहुत कम क्वांटिटी में पुट के तरफ भी जाएंगे दोस्तों, कल के दिन भी डाउन साइड इफेक्ट देखने को मिल सकता है। अगर गैप डाउन खुला और बहुत देर तक एक रेंज में मार्केट रहा, रेंज नीचे की तरफ ब्रेकडाउन होता हुआ दिखा, तो भी दोस्तों बहुत स्मॉल क्वांटिटी में, हाई नहीं, बहुत स्मॉल, एक लॉट पे आप पुट के तरफ जा सकते हैं, सो देट आज के दिन जो मोमेंट है वो मिस ना हो दोस्तों। क्लियर हो गया, 22,751 के आसपास दोस्तों कहीं ना कहीं क्लोज दिया है, फिर निफ्टी अब आ चुके हैं, फिर निफ्टी के ऑप्शन चेन पे कॉल राइटर पुट राइटर और 22,700 के आसपास क्लोज दिया है। कॉल राइटर जो रेजिस्टेंस क्रिएट करते हैं 22,750 पे 300,000 मैसिव, 22,800 पे 11,00,000, 22,850 पे 400,000, 22,900 पे 800,000। तो यार क्लियर कट आप देखोगे 21,00,000 तक कॉल राइटर ऊपर बैठे हैं, तो बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस है दोस्तों। ऊपर का चांसेस थोड़ा कम लग रहा है, थोड़ा क्या ज्यादा ही। नीचे की बात करूं, आज के दिन सारे पुट राइटर दोस्तों इतना बड़ा नुकसान करके बैठे हैं, -3,00,000, -1,00,000, -2,39,000 सारा पुट राइटर भागे हैं। बट अगर आप देखोगे 22,650 पे 400,000, उसके नीचे भी 400,000 और 600,000, ठीक है यार, मतलब क्या बोलूं मैं, कॉल राइटर से तो कम है ना पुट राइटर, तो नीचे की तरफ वीकनेस आपको देखने को मिलेगा। बिलो 22,650 हम पुट के तरफ जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दीजिए, जाके फ्री वाले ग्रुप पे अभी कभी ज्वाइन कर लीजिए, अपने मम्मी पापा को बहुत सारा प्यार दीजिए, उनका हमेशा प्यार कीजिए। चले दोस्तों मिलते हैं सेकेंड वीडियो पे 5:30 बजे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय एंड सी यू।